जुन्नारदेव विधानसभा से शब्बीर आलम किस वक्त की खास अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना, जनपद सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। पुलिस ने कहा की जाएगी मामले की जांच। पीड़ित युवती का नाम जनपद सदस्य ने कर दिया उजागर। जुन्नारदेव पुलिस अनुविभाग के अंतर्गत पुलिस चौकी डुंगरिया क्षेत्र में एक युवती का कुएं में शव मिला था, जिस पर आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या और दुष्कर्म इस युवती के साथ हुआ है। इस पर जनपद सदस्य द्वारा पीड़ित युवती और परिवार का नाम उजागर कर दिया गया है, जिस कार्रवाई की मांग को लेकर आज समाज द्वारा जुन्नारदेव थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे ने ज्ञापन लिया और कहा मामले की जांच की जाएगी। ज्ञापन देते समय जुन्नारदेव विशाला सरपंच शंकर कुमरे, राजेश पाटिल, सुधीर लदरे, अरुणेश जायसवाल सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। जुन्नारदेव विधानसभा से शब्बीर आलम की एक खास अपडेट। जुन्नारदेव थाने में ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मामला है? आज जुन्नारदेव थाने में ज्ञापन दिया गया। मैं पहले अपना नाम बता दूं, मैं शंकर कुमरे सरपंच ग्राम जुन्नारदेव विशाला का हूं। पुलिस चौकी डुंगरिया में एक घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी। उस जानकारी में उस महिला को मृत घोषित किया गया था, उसकी जांच चल रही थी, जिस संबंध में जनपद सदस्य मंगलू यदुवंशी द्वारा उस आदिवासी महिला का नाम सार्वजनिक किया गया, जिससे समाज उसका घोर विरोध करती है। क्या मांग की गई है इसमें? इसमें मांग की गई है कि ऐसे जनप्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि वे समाज को नीचे ना देखने को मिले। किसको ज्ञापन दिया गया? माननीय उच्च न्यायालय थाना जुन्नारदेव।